हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पूरे 3 दिन तक उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा की आग में जलती रही। पर अब सबूत मिल रहे हैं कि दिल्ली को जलाने की तारीख और वक्त पहले ही तय किया जा चुका था। सोमवार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जितने भी इलाकों में हिंसा हुई उन सबकी टाइमिंग एक ही थी, दोपहर के करीब 2 बजे। पूरे 3 दिन तक दिल्ली में हिंसा की आग बेगुनाहों की जिंदगी उजाड़ती रही। लेकिन सबूत अब मिल रहे हैं, दिल्ली को उजाड़ने की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। लोगों की उम्मीदों और सपनों को राख करने के बाद दिल्ली अब दर्द से तड़प रही है। और सबूत मिल रहे हैं कि दिल्ली को ये दर्द देने का षड्यंत्र पहले ही तैयार हो चुका था। दंगों की आग घर जलाती रही, लोगों को मजबूर और बेसहारा बनाती रही। लेकिन सबूत अब मिल रहे हैं कि दिल्ली पर दाग लगाने की साजिश का खाका पहले ही खींच लिया गया था। मतलब दिल्ली हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, हथियार तैयार थे। फायरिंग हो रही है, ये करदमपुरी से फायरिंग हो रही है लगातार। तो क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ? तो क्या दिल्ली को जलाने की साजिश पहले से तैयार थी? यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने में SIT जुटी हुई है। लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं वो सीधे सीधे इसी तरफ इशारा करते हैं कि दिल्ली को जलाने की साजिश पहले रच ली गई, हथियार बहुत पहले से जुटाने शुरू कर दिए गए और इसी के साथ तारीख और वक्त को लेकर भी खुलासा हुआ है। दिल्ली जलाने की साजिश के ऐसे ही 5 सबूतों पर घंटी बजाओ की पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने वाले हैं। सोमवार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जितने भी इलाकों में हिंसा हुई उन सबकी टाइमिंग एक ही थी, दोपहर के करीब 2 बजे। क्या ये महज एक संयोग है या फिर इस हिंसा की पूरी एक सोची समझी स्क्रिप्ट लिखी गई थी? ये सिर्फ सवाल नहीं, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए संवाददाता मनोज वर्मा दिल्ली के हिंसाग्रस्त अलग अलग इलाकों में तहकीकात के लिए निकले और सबसे पहले चांदबाग पहुंचे, जहां दंगाइयों ने भारी उत्पात मचाया था। कई घर दुकान और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। चांदबाग में मनोज वर्मा की मुलाकात बाबूलाल से हुई, जो दंगों के आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के पास ही बाइक सर्विस सेंटर चलाते थे, लेकिन हिंसा की आग में इनकी कमाई का जरिया राख हो गया। बाबूलाल ने हमें 24 फरवरी की घटना से जुड़ी अहम जानकारी दी। दो बजे सड़क पर क्या हो रहा था 24 तारीख को? दंगा हो रहा था जी, आपने जान पत्थरा हो रही थी, 2 बजे स्टार्ट हो गया था यहाँ दंगा। इन्होंने कोई पुलिसकर्मी नहीं थे, कोई प्रशासन की कोई तरफ से कोई बंदा नहीं था, कोई भी नहीं था। पुलिस को 100 नंबर कॉल भी करी, उन्होंने फोन ही रिसीव नहीं करा। मनोज वर्मा मौजपुर पहुंचे, वहां के सुनील कुमार ने भी 24 फरवरी को करीब 2 बजे ही हिंसा भड़कने का दावा किया। ये बताइए कि 24 तारीख को मौजपुर में कितने बजे करीब ये दंगे की शुरुआत हुई? ये अराउंड 2 और 3 के बीच में दंगा चालू हुआ और जैसे ही हमारी सोसाइटी में लोगों को पता चला कि कुछ
असामाजिक तत्व हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग सभी लोग, मैं नहीं, हम सब मौजपुर के सभी लोग बाहर आए क्योंकि हमारी जान की खतरे में था। हम लोग जब बाहर आए, हम माता मंदिर से हमारा रास्ता बनता है तो हम देख रहे हैं हजारों की भीड़ में वहां से लोग आ रहे थे, कुछ के हाथ में पत्थर थे और एक शख्स के हाथ में पिस्टल भी थी। इसके बाद मनोज वर्मा भागीरथी बिहार और फिर उससे लगे शिव विहार इलाके में तहकीकात करने पहुंचते हैं, जहां मोहम्मद साकिब और उपेंद्र कुमार से मुलाकात हुई। सवाल हुए तो उन्होंने भी 24 फरवरी को 2 बजे हिंसा शुरू होने की बात कही। 24 तारीख को कितने बजे करीब शुरू हुआ था और क्या अफवाहें उड़ रही? 24 तारीख को दोपहर तक तनाव था, फिर उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई लगभग ये तकरीबन 2 बजे तक, फिर जो लगातार 2 बजे 2 दिन तक चली है। लोग फोन कर रहे फोर्स के लिए, कोई यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आई। 2 दिन बाद सुबह 5 बजे के करीब फोर्स आई है, जब मामला शांत हुआ है। 2:30 बजे करीब फिर अपने उधर के लोग यहाँ आ गए, क्योंकि वहाँ दंगाई भड़कने लगे, मंदिर में पत्थर वत्थर फेंकने लग गए थे। फिर इतने सब आए हैं, अनिल वनिल की दुकान वकान में भी थे, सब जला वो करने लगे। फिर उन्होंने सब ने इकट्ठे लोगों के यहाँ मोर्चा संभाला है, यहाँ से फिर वो सब इकट्ठे हो गए, फिर इस छत पे चढ़े हैं। मतलब तारीख एक है 24 फरवरी, और वक्त भी करीब करीब 1-2 बजे के आसपास, जब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा शुरू हुई और बड़ा रूप लेती गई। तहकीकात में एबीपी न्यूज को पता चला कि जाफराबाद में भी हिंसा एक घर में आग लगाने से शुरू हुई और करीब 2:30 बजे ही यहां दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल गोली लगने से शहीद हुए। उसी वक्त के आसपास शाहदरा के डीसीपी अमित शर्मा भी जख्मी हुए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो एक पहले से सोची समझी साजिश के तहत किया गया। दोनों समुदायों में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, हर व्हाट्सएप ग्रुप में 30 से 40 लोग थे। ग्रुप में हिंसा भड़काने के लिए वायरल वीडियो मैसेज फॉरवर्ड किए गए। आरोप है स्थानीय लोगों के अलावा बॉर्डर एरिया से, उत्तर प्रदेश से हिंसा भड़काने वाले लोगों को बुलाया गया था, जो व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा थे। गुलेल, जो दिल्ली के शिव विहार में दंगाइयों का शिकार बने, एक बहुमंजिला स्कूल की छत पर ऐसी जगह बांधी गई जहां से हर तरफ लोगों को निशाना बनाया जा सके, तबाही मचाई जा सके। ऐसी सिर्फ एक गुलेल नहीं, ढेरों गुलेल अलग अलग जगहों से हिंसा की आग को भड़काने में इस्तेमाल की गई। संवाददाता मनोज वर्मा बता रहे हैं कि साजिश की ऐसी गुलेलों को फिक्स करने के लिए छत की दीवारों को कैसे तोड़ा गया। ये देखिए तस्वीर, ये इसी छत की तस्वीर है, आप यहां से देख रहे हैं। ये ब्लू कलर की टीन शेड है जो पीछे नजर इस तस्वीर में नजर आ रही है, और आपको अब ये ब्लू कलर की जो टीन शेड है सामने की तरफ भी आपको नजर आएगी। यहां पर गुलेल बनाई गई थी पत्थर फेंकने के लिए, एक गुलेल आपको उस सामने देखिए रेलिंग पर, वहां पर भी आपको गुलेल नजर आएगी। तो साफ है कि हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी, आखिरकार अचानक से कैसे गुलेल तैयार हो गई नहीं समझ में आता। जब जांच होगी ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार हिंसा की प्लानिंग कितने दिन पहले और किन किन लोगों ने मिलकर की थी। और इन इस पूरे तमाम इलाके में दीवारें टूटी हुई आपको नजर आएंगी, साइड की कुछ दीवारें टूटी हुई है, वो जो छत आप देख रहे हैं जिसके ऊपर सफेद रंग की पानी की टंकी है, उसके नीचे की भी जो दीवार है वो टूटी हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर भी गुलेल बनाई गई थी। इसके अलावा अगर मैं दूसरी छत की बात करूं, वहां पर भी दीवार टूटी हुई है, वहां पर भी गुलेल बनाई गई थी। तो दंगे के जो तमाम सबूत हैं वो अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रहे हैं, और उसमें गुलेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। हिंसाग्रस्त दिल्ली में शिव विहार के इसी स्कूल पर कब्जे के बाद उपद्रवियों ने कैसे बच्चों के बैठने वाली बेंच को घातक गुलेल में तब्दील किया था, ये इससे पहले संवाददाता पंकज झा ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था, जब इस गुलेल को पुलिस ने कब्जे में लिया था। ऐसी गुलेल इससे पहले शायद ही कभी किसी ने देखी हो, और एबीपी न्यूज ने जब दिल्ली हिंसा के सबूतों की तहकीकात आगे बढ़ाई तो संवाददाता मनोज वर्मा का सामना एक और चौंकाने वाली तस्वीर से हुआ। ये जो गुलेल है, जो बड़ी गुलेल जिसे हम कह रहे हैं, ये बनाई गई है, एक रेहड़ी है और बकायदा वेल्ड किया गया है। यहाँ पर लोहे के जो टुकड़े हैं इनको वेल्ड किया गया है, इसमें यहाँ पर ये देखिए रबड़ बांधी गई है, रबड़ बांधकर यहाँ कपड़ा लगाया गया, और फिर ये अगर मैं इसमें पत्थर लगाऊंगा और इसे खींचूंगा तो कम से कम 200 से 300 मीटर दूर तक ये पत्थर जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये अंदाजा लगाइए कि कितनी प्लान तरीके से
इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है जो राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में हिंसा भड़की है। एक रिक्शे को गुलेल में तब्दील कर देने का मकसद ये रहा कि जब एक जगह पर इसका तबाही फैलाने में इस्तेमाल हो जाए तो इसे आसानी से दूसरी जगह ले जाया जा सके। यानी दिल्ली को जलाने की प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी, क्योंकि कुछ घंटों या दिन भर में लोहे की रॉड से वेल्डिंग करके ऐसी कई गुलेल तैयार कर दी गई हो ये मुमकिन नहीं। दंगे का यही हथियार आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की छत पर भी मिला था। ये वो गुलेल है जो आपने हमेशा से देखी, लेकिन मकसद वही था, दिल्ली में आग लगाना। दिल्ली को जलाने की साजिश पहले से थी। इसका सबूत हिंसा वाले 13 इलाकों में अब भी पत्थरों से पटी सड़कें, घर और ऊंची इमारतों की छत पर लगे पत्थरों के ढेर देते हैं। यहाँ 24 फरवरी को मौजपुर चौक से कुछ दूरी पर कबीर नगर में रहने वाली राजकुमारी शर्मा के घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए, कैसे उपद्रवी पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। दावा है कि मौजपुर में सबसे पहले इसी सड़क से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई। दंगाई पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये पत्थर अचानक बरसाए जरूर गए, लेकिन तहकीकात में सामने आ रहा है कि पत्थरों का इंतजाम बहुत पहले से किया गया, जिसका सबूत हिंसा वाले इलाकों की इमारतों से भी मिलता है, जहां बाकायदा नुकीले पत्थर तैयार कर मंगवाए गए थे जो निशाने पर लगे तो जानलेवा चोट पहुंचाए। ये वो पत्थर हैं जो स्पेशली तैयार किए गए, वही नुकीले पत्थर। ये जो पत्थर हैं नुकीले पत्थर हैं, स्पेशली तैयार किए गए हैं हिंसा करने के लिए। जो उपद्रवी थे उन्होंने इन पत्थरों का इस्तेमाल किया लोगों पर मारने के लिए। शांति कायम होने के बाद भी हिंसा वाले इलाकों में अब भी पत्थरों का इतना ज्यादा अंबार है कि उन्हें हटाने के लिए ट्रक और जेसीबी जैसी मशीनों की मदद दी जा रही है। जिन पत्थरों से घर बनाए जाते हैं उन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया लोगों के घरों को उजाड़ने के लिए। अब देखिए बाकायदा जेसीबी मशीन बुलाई गई है इन पत्थरों को रास्ते से हटाने के लिए। ये पूरी सड़क जो थी वो पत्थरों से ही भरी हुई थी, इस पूरी सड़क पर पत्थर पड़े हुए थे। हिंसा की ये पूरी सड़क गवाही दे रही थी कि सड़क पर कितनी ज्यादा हिंसा हुई थी, और अभी भी गवाही दे रही है हिंसा की। चारों तरफ का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, तमाम आपको तबाही ही तबाही नजर आएगी हर छत के ऊपर। ये देखिए इस छत के ऊपर कितने पत्थर मौजूद हैं, सिर्फ चारों तरफ पत्थर। दिल्ली को जलाने का एक और सबूत जिसने हिंसा के वक्त सार्वजनिक और दूसरे लोगों की निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया, घर और दुकानों को तबाह कर दिया। ये पेट्रोल बम है जो खाली बोतलों को इस्तेमाल कर बनाए गए, मतलब इसकी तैयारी भी पहले से की गई। एबीपी न्यूज की तहकीकात में पता चलता है कि खाने पीने की दुकानों को लूट कर वहां से कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बटोरी गई थी। इसके अलावा दंगाइयों ने खड़ी गाड़ियों में भारी मात्रा में पेट्रोल भी चुराया, जिसका इस्तेमाल पेट्रोल बम बनाने में हुआ। इन पेट्रोल बोतल बमों को इन्हीं बड़ी बड़ी गुलेल की मदद से 200 से 300 मीटर की दूरी तक फेंका गया। वो सारे सबूत हैं, ये माचिस, काफी संख्या में माचिस यहाँ पड़ी हुई है, बहुत सारी माचिस हैं। जो दंगाई थे वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, सब कुछ सामान था उनके पास, पत्थर थे उनके पास, कंचे थे उनके पास, गुलेल थी उनके पास, पेट्रोल बम थे, वो हर सामान उनके पास मौजूद था जो हिंसा को सबसे ज्यादा भड़का सकता था। पत्थर और पेट्रोल बम ही नहीं, लोगों को निशाना बनाने के लिए शीशे के कंचे भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये छोटे छोटे कंचे वो तीसरा हथियार है जो दंगों में इस्तेमाल किए गए। शाहरुख नाम के इस लड़के का चेहरा अब तक आपके जहन में बैठ चुका होगा। हिंसा के दौरान इसने 8 राउंड फायरिंग की थी। ये तो गन लोड कर रहा हूँ, ब्लैक जैकेट में हेलमेट पहना हुआ, वो देखो फायरिंग कर रहा नीचे वो, ये देखो। हिंसा के दौरान ना जाने ऐसे कितने अवैध हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हिंसा में 82 लोगों को गोली लगी, जिनमें से 11 लोग दम तोड़ चुके हैं, और दिल्ली पुलिस की शुरुआती जाँच बताती है कि ज्यादातर अवैध हथियार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अवैध फैक्ट्रियों के बने थे। इन फैक्ट्रियों में तमंचा ऑन डिमांड भी बनाया जाता है, मतलब दिल्ली को जलाने की, दंगों का दाग देने की स्क्रिप्ट देश विरोधियों ने पहले ही लिख ली थी, जिसके तहत हथियारों को पहले से जुटा लिया गया था, बस मौके का इंतजार था। जैसे ही मौका मिला साजिश में मोहरे बनाए गए, उपद्रवियों ने तांडव मचा दिया, दिल्ली को जला दिया।
न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।